निशान सबसे अनोखी और निराली है। जुलूस बहुत निकलते हैं, निकलते रहेंगे, बहुत निकले हैं जुलूस, बहुत निकलेंगे इसके बाद, लेकिन याद रखिएगा जैसा जुलूस होता है वैसा नतीजा निकलता है। जैसा जुलूस निकलता है, जैसी जात और जैसी शख्सियत का जुलूस होता है वैसे नतायज बरामद होते हैं। अगर कोई जुलूस फिरौन का निकालेगा तो फिरौनियत फैलेगी, जुलूस यजीद का निकालेगा यजीदियत फैलेगी, जुलूस नमरूद का निकालेगा नमरूदियत फैलेगी। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ को अहले इस्लाम रहमतुल लिल आलमीन का जुलूस निकालेंगे तो रहमत ही रहमत फैलेगी, रहमत ही रहमत फैलेगी। के लिए रहमत बन के आए हैं, वो मुस्तफा जो सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं, बहरोबर के लिए रहमत बन के आए हैं, खुशकोतर के लिए रहमत बन के आए हैं, संगो शजर के लिए रहमत बन के आए हैं, लालो गोहर के लिए रहमत बन के आए हैं, लहलो नहर के लिए रहमत बन के आए हैं, जिन्नो बशर के लिए रहमत बन के आए हैं, अरे जो बेवाओं के लिए रहमत बन के आए हैं, जो यतीमों के लिए रहमत बन के आए हैं, जो बेसहारों के लिए रहमत बन के आए हैं, जो चारों के लिए रहमत बन के आए हैं, आज उस नबी का जुलूस निकाला जा रहा है और निकालने वाले बता रहे हैं हम दुनिया से नफरत को मिटाने के लिए जुलूस निकाल रहे हैं, मोहब्बत फैलाने के लिए जुलूस निकाल रहे हैं, मोहब्बत आम करने के लिए। ये पैगाम मोहब्बत मुस्तफा की आमद आमद पर पूरी रुए जमीन के अफराद को दिया जा रहा है। इस्लाम को बदनाम करने की नापाक कोशिश करने वालों याद रखना, इस्लाम ने नफरत नहीं फैलाया है, इस्लाम ने बुग़्ज़-ए-नाद नहीं फैलाया है, इस्लाम ने टेरोरिज्म फंडलिज्म कम्युनलिज्म कत्लोगारतगरी नहीं फैलाया है, बल्कि इस्लाम आया है तो नफरतों को मिटा के मोहब्बतों का पैगाम आम करता हुआ आया है, मोहब्बतों का पैगाम आम करता हुआ आया है। और आज उसी रहमतुल लिल आलमीन का जुलूस आपके शहर में पूरे तुस्को एहतशाम से निकल रहा है, पूरी शानो शौकत से निकल रहा है। आज ये अज़्म करें कि जब तक जान में जान है, जब तक जिस्म में एक सांस बाकी है, तब तक हम रहमतुल लिल आलमीन का जुलूस निकालते रहेंगे, ताहा और यासीन का जुलूस निकालते रहेंगे। और इस जुलूस के बैनर तले हम पूरी दुनिया को ये पैगाम देंगे कि हम नफरतों को मिटाने आए हैं, मोहब्बतों को फैलाने आए हैं। मुस्तफा आए सहारा मिल गया, डूबी कश्ती को किनारा मिल गया, इतना उतना कितना बताए हम तुम्हें, यूं कहो सारा का सारा मिल गया, यूं कहो सारा का बुजुर्गो दोस्तों, मिलादुन नबी का जुलसा अभी अभी हजरत ने बताया, वो मोहब्बत का जुलसा है, ये अमन का जुलसा है। फिर दुनिया में अमन पहला है मुसलमान, आज भी कल भी परसों भी हमें ही अमन फैलाएंगे पूरा दुनिया में, इसमें कोई शक नहीं। हमारे तमाम लीडर्स आए हैं, आपके एमएलए साहब, हमारे एक्स मिनिस्टर जॉर्ज साहब है, हमारे एमएलसी रिजवान साहब है, हमारे बुजुर्ग सब लोग आए हुए हैं उधर। आपसे गुजारिश इतना ही करता हूं, आज जुलूस में तरुण पढ़ते चले, एक एक जुलूस को अल्लाह ने वादा किया 10 मैं पहुंचाऊंगा करके, आप पढ़ते रहे इंशाल्लाह करोड़ों पहुंचना चाहिए आज, तो कोशिश हो करें हम। शुक्रिया सबको, मेरा दोस्त मेरा भाई नाना अमीर जान साहब किधर है चले गए, और तन्वीर हमारे तमाम दोस्तों को शुक्रिया कहता हूँ, जज़ाकअल्लाह। बाद हमको सुना नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बलगुल उला बे कमाल ही, कशफत गुजा बे जमाल ही, हसनत जमी व कताल ही, सल्ले अलैहि व आलिही। बाद खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, यहाँ पे मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी प्यारी माँ बहनों, आज ऐसे मुकद्दस जुलूस में यहाँ जमा हुए हैं, आज जिनकी आमद इस दुनिया में हुई
वो रहमतुल आलमीन है, सारी दुनिया के लिए रहमत बन के आए हैं। जो सारी दुनिया के लिए रहमत बन के आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नहीं बोल सकते हैं, सारी इंसानियत के लिए आए हैं। उनका पैगाम जिस तरीके से उन्होंने हमें राह जिंदगी दिखाई, जिस तरीके से आगे बढ़ना सिखाया, जिस तरीके से इंसाफ करना सिखाया, जिस दौर में इस दुनिया तारीकी में थी उस दौर में रोशनी का एक चिराग उन्होंने जलाया, आज वो चिराग पूरी दुनिया में बैठा फैला हुआ है। आज ऐसी शख्सियत के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं जिनके वजूद से हमारी पहचान है। अगर वो वजूद नहीं होता तो हमारी कोई पहचान नहीं होती। मैं आपसे चाहूंगा कि उनके तालीमात पर गौर करें। उन्होंने हमें बताया था कि जब बोलो तो सच बोलो, जब तोलो तो सही तोलो, जब कुछ करे तो सही करो, सबके साथ इंसाफ का मामला करो। चाहे वो हमारी बहनें क्यों ना हो, हम हमारी बहनों को इंसाफ नहीं करते उनके साथ, उनको हमारे से कम समझते हैं, उनको हमारे साथ आगे चलने के लिए कदम से कदम बढ़ाने के लिए मौका हम नहीं देते। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हम सब एक हैं, हमारे में कोई फर्क नहीं है, चाहे वो कलर का फर्क हो, चाहे वो जात का फर्क हो, चाहे वो धर्म का फर्क हो, कोई भी फर्क अल्लाह के सामने नहीं है, क्योंकि सब अल्लाह के बंदे हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस दुनिया में किसी भी मजहब का क्यों ना हो, किसी भी कोने में क्यों ना हो, चाहे वो काला है, गोरा है, पीला हो, सब अल्लाह के बंदे हैं। सबके लिए पैगाम हुजूर ने लाया और इंसाफ का पैगाम लाया। अगर आपके किरदार में उनके तालीमात नहीं है तो आप उनके सच्चे मानने वाले नहीं है। ये पैगाम मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और मेरे दोस्त नाना साहब यहाँ है, मौजूद है, मैं उनको हमेशा से हर साल वो हमें बुलाते हैं, जार साहब कहीं भी रहे वो भी आ जाते हैं। बहुत खुशी की बात है कि हारिस भाई भी आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है, आप सब मौजूद हैं, बुजुर्ग सारे उलमाए कराम यहाँ मौजूद हैं, अमीर जैन साहब भी मौजूद हैं। मैं आपसे इतना कहूंगा कि हालात जो हैं बहुत नाजुक हैं, कोई भी नफरत फैलाए उसका जवाब आप मोहब्बत से दें। नफरत का जवाब नफरत नहीं हो सकता, नफरत का जवाब सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत से देना चाहिए। ये हमारे हुजूर ने हमें ये तालीमात दिए हैं। और हर बार हक जरूरी नहीं होता, कभी कभी हक से अमन जरूरी होता है, हक से बढ़कर अमन होता है। आज अमन अमान के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, एक ऐसा माहौल बनाने के लिए जहां हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई की तरह रहें और इस मुल्क को आगे बढ़ाएं, यही उनका एक पैगाम था। जिस भूत में हम रहते हैं कुपुल वतनी मुनल ईमान, ये हमारा ईमान है। इस मुल्क के साथ हमारी जो लॉयल्टी है, इस मुल्क के साथ हमारी जो वफादारी है, ये हमें हमारे मजहब इस्लाम ने सिखाया है। इतना कहते हुए मुझे बात करने का जो मौका दिया गया, इसका हमारे दोस्त नाना साहब को शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज। साहब को दिया विश्व हैप्पी ईद मिलाद नबी, विश्व हैप्पी ईद मिलाद नबी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।